हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन राइट द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टेन इन्वर्स एक्स का हमें डोमेन और रेंज लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं अ फंक्शन अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल ओनली इफ ओनली इफ एंड एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज इट इज बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए ठीक है तो अगर फंक्शन किसी भी इंटरवल में बाइजेक्टिव हो रहा है ठीक है या हम बोल सकते हैं हमारे टेन एक्स की बात करेंगे इफ या बोल सकते हैं टेन एक्स इज बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव इन एक्स बिलोंग टू माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू तक ये क्या है बाइजेक्टिव होता है यानी वन वन और ऑन टू दोनों होता है इस इंटरवल में तो हम क्या बोल सकते हैं अगर टेन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहां से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू तक ठीक है लेकिन टेन इन्वर्स एक्स तो हमें ये आउटपुट वैल्यू देगा क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो हमें एंगल के फॉर्म में आउटपुट देते हैं ठीक है यानी यहाँ पर अगर एक्स बिलोंग टू ये एंगल कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेन इनवर्स एक्स है उसके लिए अगर हम लिखें रेंज ऑफ रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो क्या हो जाएंगे विल बी बोल सकते हैं माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू तक और डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो तो हम कुछ भी रख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ठीक है तो ये हमारी रेंज हो गई और ये हमारी डोमेन हो गई I hope you understood this explanation. Best of luck.